हेलो स्टूडेंट्स वी आर कवरिंग टुडे द टॉपिक ऑफ फ़ंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सबसे पहले मीनिंग समझते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट समझना हर एक कंट्री के अंदर एक सेंट्रल बैंक होता है जो उसके मॉनेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है हर एक कंट्री का सेंट्रल बैंक उस कंट्री के मॉनेटरी सिस्टम के साथ साथ करेंसी को भी प्रिंट करता है ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है

कंट्री आर बी आई वॉज सेटअप ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन कमीशन हिल्टन कमीशन की रिकमेंडेश पर सिफारिशों पर आर बी आई को बनाया गया था आर बी आई एक्ट ऑफ नाइनटीन थर्टी फोर प्रोवाइड द स्टेचुटरी बेसिस ऑफ द फंक्शन ऑफ द बैंक यानि कि जो स्टैचुटरी बेस है जो कानूनी बेस है जिसके हिसाब से आर बी आई को बनाया गया वो है आर बी आई एक्ट ऑफ नाइनटीन थर्टी फोर आर बी आई कमेंड इट्स ऑपरेशन ऑन फर्स्ट अप्रैल नाइनटीन थर्टी फाइव एज अ प्राइवेट शेयर होल्डर्स बैंक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि आर बी आई ने अपना काम कब चालू किया द आंसर इज फर्स्ट अप्रैल नाइनटीन थर्टी फाइव आर बी आई वॉज नेशनलाइज्ड ऑन फर्स्ट जनवरी नाइनटीन फोर्टी नाइन सेकेंड ऑब्जेक्टिव आपका आर बी आई को कब नेशनलाइज किया गया आफ्टर इंडिपेंडेंस दैट इज फर्स्ट जनवरी नाइनटीन फोर्टी नाइन इट इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएट ऑफ द मनी मार्केट डेफिनेशन लेते हैं डॉक्टर एम एच डी कॉक का सेंट्रल बैंक इज वन विच कॉन्स्टिट्यूट द एपेक्स ऑफ द मॉनिटरी एंड बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री यानी कि किसी भी कंट्री का मॉनिटरी और बैंकिंग स्ट्रक्चर का कंट्रोलर या एपेक्स कौन होता है आर होता है यानी कि हमारे देश के लिए आर होता है अदरवाइज यू कैन यूज द वर्ड सेंट्रल बैंक जैसे कि डेफिनेशन में यूज किया गया है सेंट्रल बैंक इज द बैंक विच कॉन्स्टिट्यूट द एफेक्ट ऑफ द मॉनिटरी एंड बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री सेकेंड डेफिनेशन लेते हैं प्रोफेसर डब्ल्यू ए शॉ का सेंट्रल बैंक इज अ बैंक विच कंट्रोल्स क्रेडिट यानी कि क्रेडिट को कंट्रोल करना किसका काम है सेंट्रल बैंक का काम है सो सेंट्रल बैंक इज अ बैंक विच कंट्रोल्स क्रेडिट फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेते हैं फर्स्ट फंक्शन है आपका इश्यू ऑफ करेंसी नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देश में एक ही तरह के नोट्स चलते हैं एक ही साइज के एक ही कलर के हर एक डिनोमिनेशन भी सेम होते हैं तो ये सब प्रिंट आउट एक ही जगह से होता है और वो प्रिंट करने वाला पर्सन या वो प्रिंट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है वो ऑर्गेनाइजेशन है आर कोई और बैंक नोट्स को प्रिंट नहीं कर सकता ये आपको याद रखना है आर बी आई हैज द सोल राइट टू इशू करेंसी नोट ऑफ ऑल डिनिनेशन एक्सेप्ट वन रूपी नोट एंड कॉइन वन रूपी नोट एंड कॉइन्स को आर बी आई प्रिंट नहीं करता उसे स्टेट ट्रेजरी करते हैं सो आपको याद रखना है वन रूपी के ऊपर के जितने भी नोट्स हैं जितनी भी करेंसी है उसे आर बी आई ही प्रिंट करता है As per the minimum reserve system of 1957, RBI is required to maintain minimum gold and foreign exchange reserve of rupees 200 crores, and out of which at least 115 crores should be in gold and the remaining 85 crores should be in terms of foreign currency and government securities. यानी कि minimum reserve RBI के पास कितना होना चाहिए इस act के हिसाब से 200 करोड़ का होना चाहिए, जिसमें से 115 करोड़ का gold होना चाहिए के और 85 के आपकी फॉरेन करेंसी और गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हो सकती हैं सेकंड पॉइंट पे आते हैं बैंकर टू द गवर्नमेंट आरबीआई एक्ट एज अ बैंकर एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट को ये इमेंसली हेल्प प्रोवाइड करता है बैंकर की तरह एजेंट की तरह एंड इवन अ एडवाइजर की तरह इट ट्रांजैक्ट्स द बिजनेस ऑफ बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इट एक्सेप्ट मनी एज वेल एज मेक पेमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ दीज गवर्मेंट्स इट ऑल्सो अंडरटेक द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेप्ट यानि कि गवर्नमेंट जो उधार लेती है उसका मैनेजमेंट भी आर बी आई करता है गवर्नमेंट के लिए इट एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन अ वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज कोई भी इम्पोर्टेंट इकोनोमी से रिलेटेड कोई टॉपिक है कोई काम है तो उसको भी तब गवर्नमेंट को भी एडवाइज के लिए आर बी आई आगे आता है। थर्ड पे आते हैं बैंकर्स बैंक bank. मैंने पहले ही कहा ये सारे बैंकर्स का बिग बॉस है इसलिए बैंकर्स बैंक भी कहा जाता है आरबीआई एक्सरसाइजेस स्टेचुटरी कंट्रोल ओवर द कमर्शियल बैंक जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, उनके ऊपर कानूनी तौर पर आरबीआई कंट्रोल रखता है All scheduled banks are compulsorily required to maintain a certain minimum of cash reserves with the RBI against their demand in time liabilities. टाइम यानी कि जितने भी बैंक हैं आपके आजू बाजू में उस सारे के सारे बैंक्स को एक सर्टन परसेंटेज अपने सारे डिपोजिट्स का आर बी आई के पास रखना पड़ता है सिक्योरिटी के लिए आर बी आई प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू बैंक्स इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ Eligible bills, loans and advances are also provided against approved securities. जब कमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत होती है उनके पास पैसे की शॉर्टेज होती है तो वो आर के पास पैसा लेने के लिए जाते हैं यानी कि पैसे का लेन देन आर उनके साथ करता है जनरल पब्लिक के साथ नहीं करता कमर्शियल बैंक उनसे ये पैसा अगेंस्ट डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ले सकते हैं या लोन्स एंड एडवांसेस के फॉर्मेट में ले सकते हैं फोर्थ पॉइंट पे आते हैं कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अभी फॉरेन एक्सचेंज गवर्नमेंट का जितने भी दूसरी कंट्रीज के साथ बिजनेस होता है तो उनसे हमें उनकी करेंसी में जो पेमेंट्स मिलते हैं वो फॉरेन एक्सचेंज कहलाया जाता है सो आर बी आई एक्ट एज अ कस्टोडियन ऑफ करेंसीज फॉरन एक्सचेंज रिजर्व इट हैज टू मेंटेन द ऑफिशियल रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ रूपी एज वेल एज एनश्योर इट्स स्टेबिलिटी फॉर एग्जाम्पल एक डॉलर सेवेंटी रुपीज का है तो उसका एक्सचेंज रेट बहुत कम भी नहीं होना चाहिए और बहुत ऊपर भी नहीं होना चाहिए उसे भी कंट्रोल करने का काम आर बी आई करता है आरबीआई ऑल्सो अंडरटेक टू बाय एंड सेल द करेंसीज ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फिफ्थ पॉइंट इज कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट एज अ सुप्रीम बैंकिंग अथॉरिटी ऑफ द कंट्री आर बी आई हैज द पावर टू इंफ्लुएंस द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक यानी कि कमर्शियल बैंक हम लोगों को लोन देते हैं जनरल पब्लिक को लोन देते हैं तो वो क्रेडिट क्रिएशन होता है अभी मनी सप्लाई अगर बहुत ज्यादा मार्केट में बढ़ जाता है तो इन्फ्लेशन के चांस बढ़ जाते हैं सो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आर बी आई क्या करता है आर बी आई अपने बैंक रेट को बढ़ा देता है चार्जेस को बढ़ा देता है सो कमर्शियल बैंक इन रिटर्न इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देते हैं अभी अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाएगा तो हम क्रेडिट लेना कम कर देते हैं इसे क्रेडिट कंट्रोल का एक सिस्टम कहा जाता है इट ऑल्सो मॉनिटर्स द पर्पज और यूज ऑफ क्रेडिट क्वांटिटेटिव मेथड्स सच मैथड्स बैंक रेट ओपन मार्केट ऑपरेशंस, वेरिएबल रिजर्व रेशो सच एज कैश रिजर्व रेशो स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशो एक्सेट्रा कंट्रोल द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट क्रिएटेड अगर मार्केट में क्रेडिट क्रिएशन को कम करना है तो आरबीआई क्या करता है बैंक रेट बढ़ा देता है ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी कि मार्केट से पैसे को सोक लेता है कैसे लेता है सिक्योरिटीज उतारता है लोगों को बोलता है अच्छे इंटरेस्ट रेट मिलेंगे आपको आफ्टर फाइव ईयर ऑफ टाइम पीरियड आप ये डिपॉजिट कर दोगे पैसा हमारे पास तो कैश अमाउंट को ले लेता है और उनको बेटर इंटरेस्ट के साथ आफ्टर फाइव इयर्स उनको ये रीपे करता है तो उस टाइम पे उस जगह पर कैश को कम कर देता है इसी तरह कैश रिजर्वेश को स्टेचुटरी रिजर्वेश को बढ़ा देता है ताकि बैंक्स के पास पैसा कम हो जाए और आगे वो क्रेडिट कम दे सके अभी क्वालिटेटिव मेथड किसे कहा जाएगा फिक्सिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट अभी मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है मान लीजिए आपने एक प्रॉपर्टी एक करोड़ की है और उसके अगेंस्ट आपको सेवेंटी परसेंट लोन मिल सकता है यानी कि सेवेंटी लाख का मिल सकता है अगर क्रेडिट को कम करना है तो आरबीआई अभी उसको क्या कर सकता है फिफ्टी कर सकता है दैट मीन्स एक करोड़ की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आपको सिर्फ फिफ्टी लैक्स का लोन मिलेगा क्रेडिट रैशनिंग यानी कि लिमिट लगा दिया गया मोरल सिचुएशन एक्सेट्रा रेगुलेट द पर्पज ऑफ यूज ऑफ क्रेडिट अभी मॉरल सिचुएशन क्या होता है उनको मॉरली अपलिफ्ट किया जाता है कि ज्यादा क्रेडिट नहीं लेना है या उनको समझाया जाता है सही पर्पज के लिए ही लोन लेना है सिक्स पॉइंट है कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा आरबीआई कलेक्ट्स एंड कॉम्पाइल्स स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ द इकोनोमी यानी कि यह डेटा टाइम टू टाइम प्रिंट आउट करता है सेवेंथ इज प्रोमोशनल एंड डिवेलपमेंट फंक्शन आर बी आई ऑल्सो परफॉर्म सर्टन प्रोमोशनल एंड डिवेलपमेंटल फंक्शन सच एज एक्सटैंडिंग बैंकिंग सर्विसेज टू सैमी अर्बन एंड रूरल एरियाज अर्बन एरियाज में तो बहुत सारी फैसिलिटीज हैं लेकिन सैमी अर्बन एंड रूरल एरियाज में फैसिलिटीज को प्रोवाइड करने का काम भी आर करता है प्रोवाइडिंग सिक्योरिटीज टू डिपॉजिटर्स, डिवेलपमेंट ऑफ स्पेशल इंस्टीट्यूशन फॉर एग्रीकल्चर क्रेडिट एंड इंडस्ट्रियल फाइनेंस एक्सेट्रा आर एट पॉइंट इज अदर अंक्शन आरबीआई एक्ट एज अ क्लियरिंग हाउस फॉर सेटलिंग द अकाउंट बिटवीन इट्स मैम्बर बैंक As a lender of the last resort, it also provides liquidity to banks experiencing financial difficulties. अगर financial difficulty किसी bank को आती है तो RBI बी आई से वो लोन लेता है ताकि उस पर्टिकुलर पोजिशन से बाहर निकल सके सेटलिंग द accounts का मतलब है कि member बैंक का आपस में ट्रेडिंग जो होता है उसे सेटल करने का काम भी आर करता है सो वी है Eight major functions of the RBI. So, please go through the lecture. For doubts, we will meet in the live lecture. Thank you very much.